हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का कंटिन्यू कमेंट आ रहा है कि होम टूर की वीडियो बनाओ, होम टूर की वीडियो बनाओ। वैसे तो आप लोगों को मैंने पूरा ही घर दिखा दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग बोले मतलब कि होम का टूर करके वीडियो बनाओ। तो वैसे ज़्यादा बड़ा घर तो है नहीं, फिर भी आप लोग बोल दो तो आप लोग को होम टूर की वीडियो आज मैं दिखाता हूँ। और बच्चे लोग गए स्कूल, वो लोग हैं नहीं, खाली घर पर मैं हूँ और हमारी रुकैया है यहाँ किचन में। तो इस वीडियो को अपने दरवाजे से स्टार्ट करता हूँ। तो ये है हमारा दरवाज़ा, और इस दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले देखेंगे हमें प्यारी सी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये प्यारी सी हमारी वाइफ रुकैया खान। और राइट साइड में आपको दिखेगा एक वॉशिंग मशीन, जो घर में था वही वही वॉशिंग मशीन इस घर में भी है। इसके आगे आप बढ़ेंगे, इसके ऊपर ही आपको वाईफाई लगा हुआ मिल जाएगा, बड़ा ही साड़ा कंपनी का ये वाईफाई लगा हुआ है, जो कि 1 महीना होने वाला है। मैं कमरे में कंप्लेन करके थक गया हूँ, लेकिन ये इसको बनाने के लिए आया नहीं। इसका सिग्नल जो है पूरे घर में आता नहीं, पहले मैंने आपको बताया है। तो बस इसका टाइम पूरा हो रहा है, इसको निकाल के दूसरा वाईफाई लगवाना है। इसके बगल में है देखो किचन, ये है बेसिन, ये बर्तन रखे हैं डब्बा, और ये हमारा चूल्हा। और ये आपको पूरा किचन दिखा दूँ, आपने पहले भी देखा होगा, जो कि अभी नया नया ये पूरा मॉडलर बना हुआ है। और ये गैस का सिलेंडर इसलिए यहाँ रखा है क्योंकि किचन में हमारे भी छेद हुआ नहीं अभी तक, और बिल्डर ने करके दिया नहीं, कोई छेद करने वाला मिल नहीं रहा हमें, तो हम छेद करवाएं। तो हमारा बाटला भी यहाँ रखा है, लेकिन हम अपने बाटले को देखो यहाँ रखेंगे, इसके अंदर एक रखा हुआ है ऑलरेडी, और इसी में दूसरा भी रखेंगे, यहाँ छेद हो जाएगा। तो इसके बगल में फ्रिज है, और ये हमारा पुराना वाला छोटा सा कबर्ड, और ये हमारा एक कुर्सी, और यहाँ पे एक स्टूल, और ये यहाँ का इंटरकॉम है, और ये हमारा पुराना वाला उसके बगल में बेड है जो वहाँ था, और ये छोटा सा टेबल। ये दोनों साइड पर्दे लगे हुए हैं, और ये विंडो है, ये भी आपने पहले देखा है, कपड़े फैलाने का है। और ये ग्रिल यहाँ पर लगी हुई है, तो विंडो हमारा जो है नीचे का नहीं ओपन होता है, ये सिर्फ ऊपर का ओपन और क्लोज होता है। फिर पीछे आएंगे हम, यहाँ से हमने एंट्री करी थी, तो राइट साइड को तो आपने देख लिया, लेफ्ट साइड में आपको वॉशरूम मिल जाएगा, ये एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, ये शॉवर है, ये नल है, और ये दरवाजे पे एंगल लगा लिया गया है, ऊपर है लाइट। तो ये हमारा वॉशरूम हो गया। शॉवर आपको चालू करके दिखाऊँ क्या? ये शॉवर ऐसे चलता है, देखो इसको बंद कर दो। इसके बगल में बाहर आएंगे तो ये है टॉयलेट, तो ये शीशा भी लगाया, ये देखो ये टॉयल का, और ये विंडो, यहाँ भी एग्जॉस्ट फैन है, एक लाइट है। तो ये हो गया वॉश टॉयलेट। उसके राइट में आप आओगे, यहाँ बेल लगी हुई है, और यहाँ पे देखो एक फ़ैन, दूसरा फ़ैन, और लाइट यहाँ एक, यहाँ एक लाइट। तो ये हो गया फाइनली, हमारा पूरा हॉल ख़त्म हो गया। उसके आगे बढ़ेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये बेडरूम का दरवाज़ा, एंट्री करते ही आपको ये मिलेगा, इसको जो भी बोलते हैं सामान रखने का। और ये हमारा एक कबर्ड, और दूसरा कबर्ड जो कि वहाँ भी था ऑलरेडी, हमने यहाँ सेट किया है, फालतू फालतू सामान हमने ऊपर रख दिया यहाँ, और अपने रिंग लाइट वगैरह सब देखो यहाँ पीछे रख दिया है इसके। और यहाँ कपड़े का हैंगर लगा दिया है, यहाँ कपड़े का हैंगर लगा दिया, कपड़ा फैलाने टांगने का हो गया। और ये हमारा बेड हमने ऐसे सेट किया, पहले हमने बेड को नया नया आया था, पहले तो ऐसे सेट किया था, तो उससे क्या है जगह तो सेम है लेकिन जगह एडजस्ट नहीं हो रहा था, कबर्ड हमारा नहीं आ रहा था, फिर तो बेड को हमने ऐसे लगा दिया। और प्ले बटन सारे इसके ऊपर अभी रख दिए इसी फ़िलहाल, अब यहाँ वहाँ कहाँ लगाएं कुछ समझ में भी आ रहा है, फ़िलहाल ऐसे रख दिया है यहाँ पे। यहाँ का विंडो है आप देख लो, यहाँ का भी विंडो हो गया, कुछ फालतू सामान थे हमने यहाँ रख दिया। यहाँ भी ऐसे ओपन होता है, देखो ये ऊपर का नीचे का यहाँ भी ओपन नहीं होता, ये ऊपर का ओपन होता है, बस ये हो गया। तो वो घर की तरह हमारा इस घर में मतलब बालकनी नहीं, जैसे वहाँ बालकनी था, बालकनी में जाके बैठो, स्टूल कुर्सी रख के हवा खाओ, बालकनी में खड़े हो जाओ, तो वैसा यहाँ बालकनी नहीं है, यहाँ से वैसी विंडो दिया है बस। तो ये हमारा बेडरूम भी हो गया, बेडरूम में भी आप देख लो ये फैन लगा हुआ है, और एसी भी लगी हुई है, जो कि बिल्डर ने लगा के दिया है। तो हॉल में भी एक एसी लगा हुआ है, और ये भी बिल्डर ने लगा के दिया है, क्योंकि हमारे ओनर ने नया रूम खरीदा है, और मतलब रूम खरीदने के बाद फर्स्ट टाइम हम ही रहने आए, ओनर हमारे रहने आए लेकिन ऑलरेडी उनका घर है, वो रह रहे हैं, तो हम ही रहने आए हैं। तो ये बिल्डर ने एसी लगा के दिया है, जितने फ्लैट है इस बिल्डिंग में बिल्डर ने सबको एसी लगा के दिया, इसलिए एसी लगा हुआ है, हमने एसी लगवाया नहीं है। तो यही था हमारा रूम, और इस रूम को बोलते हैं 1 बेडरूम, 1 BHK नहीं बोलेंगे इस रूम को, 1 BHK नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे स्टूडियो रूम, क्योंकि किचन जो है देखो हमारा हॉल में है, हॉल में हमारा किचन है,
जो रूम में मतलब किचन अलग होते हैं, बेडरूम अलग होता है, हॉल अलग होता है, बाथरूम अलग, उसको बोलते हैं 1 BHK। 1 BHK इसको बोलते हैं स्टूडियो रूम। जैसा हम पहले वाले रूम में थे वो भी स्टूडियो रूम था और ये भी स्टूडियो रूम है, सिर्फ थोड़ा क्या वो थोड़ा बड़ा था, उसमें बालकनी वगैरह थी, इसमें बालकनी नहीं है, फिर भी हमारा यूज हो गया, हमको कोई टेंशन नहीं है। और अब फिर से एक बार बता दूँ आप लोग को कि हमारा ये रेंट का रूम है, हमारा खुद का नहीं है। बहुत लोग यही समझते अभी भी कि हमने खुद का खरीद लिया है, हमने खुद का खरीदा नहीं, हमारा भाड़े का ही रूम है। और आप लोग को हमने अपनी वीडियो में अपने रूम मालिक को भी दिखाया है, कई वीडियो में दिखाया आपको, इसके लिए आप लोग जानते होंगे। इसको नहीं पता कोई बता दूँ हमारा रेंट का है, तो 11-11 महीना 22-22 महीने वैसे चलते रहता है। अब देखते हैं कितने साल यहाँ रहते हैं, तो रूम मालिक ऊपर कितने साल रहने देंगे। बहुत लोग बहुत दिन रहने देते हैं, बहुत बहुत लोग तो ऐसे हैं, अभी हमारे एक दोस्त हैं पुराने वाली बिल्डिंग में रहते हैं, 5 साल से एक रूम में रह रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा कोई रूम अभी तक मिला ही नहीं। एक रूम मिला था पहले हमको, उसमें हम 2 साल थे, लेकिन उसके बाद फिर 11-11 महीने भी खाली करना पड़ जाता है। चला एक कुकर का आवाज़ भी आ रहा होगा, सीटी बज रही है कुकर की, सीटी की आवाज़ आ रही होगी आपको। तो अगर हमारा रूम को हमारा रूम वाले का जमते रहा तो हम और कई साल रह सकते हैं, नहीं तो फिर 11 महीने बाद फिर खाली करके कहीं और जाएंगे। तो यही था हमारा रूम, आप लोग बोले होम टूर होम टूर, यही होम टूर की वीडियो थी। और क्या बोलूँ यार, अभी आप लोग सब दुआ के लिए बोलूँगा कि दुआ करो कि हमारा खुद का घर हो जाए, तो फिर सब लोग बोलोगे हर वीडियो में दुआ ही मांगते रहते हैं। तो अल्लाह करे कि जो भी भाड़े वाले हैं सबका खुद का घर हो जाए, और हमारा भी अगर हो सके तो हो जाए, नहीं कोई बात नहीं, हम लोग आदत पड़ गई है भाड़े के रूम में। सिर्फ तकलीफ कहाँ होती है, जब यहाँ से वहाँ रूम चेंज करना पड़ता है ना, तो मगजमारी होता है। पूरा महीना भी हुआ नहीं, होने वाला है अभी, रूम में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सेटिंग हो ही रही है, सेट हो जाए सेट हो जाए। अभी लोग को बाल्टा यहाँ रखा है, अभी बहुत महीनों तो ऐसे ही चला जाता है, अभी बहुत चीज़ें हैं जो सेट नहीं हुई, ऐसे रख दिया गया है, तो बस ये तकलीफ होती है। और सेट करते करते 11 महीना खत्म हो जाता है, फिर दूसरे रूम में जाना पड़ता है, बस ये तकलीफ होती है, बाकी तो कुछ नहीं। अपनी मर्जी से मतलब हम कुछ सामान है ऐसे जो खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसको हम खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि रूम चेंज करने के हिसाब से फिर सामान सेट होता है हर जगह। खुद का है एक बार इंसान ले लिया और सामान सेट कर लिया, जगह के हिसाब से आदमी बनवा लिया, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन भाड़े के रूम में क्या है, दूसरा रूम कैसा मिले क्या ना मिले। फिर भी हमने ये बेड लिया था तो चलो यहाँ लग गया, उससे पहले हमारे पास ये छोटा बेड आपने देखा ना, ये वाला छोटा बेड हम कई साल यूज़ कर रहे थे, तो इसीलिए। और बहुत चीज़ें हैं जो लेने का दिल करता है लेकिन ले नहीं पाते, कि रूम इसके बाद जो रूम में जाए वहाँ सेट होगा नहीं होगा। अभी इसी रूम में आने से पहले हमने बहुत चीज़ें दे दी ऐसी काम करने कचरे उठाने वालों को, बहुत से स्टैंड था हमारा एक, आपने देखा होगा सारे स्टैंड था, चार फ्लोर का ऐसा स्टैंड था, और बहुत से सामान दिया क्या क्या कर दी थी। हाँ, क्योंकि इस रूम में सेट नहीं हो रहा, मतलब समझ में गया सेट होएगा नहीं, तो एक कुर्सी भी एक थी, ऐसी बहुत से सामान दे दिए ताकि आज सेट नहीं, एक टेबल था ऐसी, हाँ सेंटर टेबल था वो भी दे दिए, तो सेट नहीं होता इसके लिए सारा सामान लेते नहीं है। अभी कोई मेहमान वहमान आ जाए तो कोई सोफ़ा भी नहीं आके, हाँ चलो सोफ़ा लगा दे, भी सोफ़ा भी लगा दे दूसरे रूम में जाए, पता नहीं सेट हो नहीं हो, इसके लिए नहीं लेते हैं। ऐसे काम चल रहा है, चलते रहेगा इंशाल्लाह। तो अगर मैं ज़्यादा बोल दिया तो चले सॉरी, क्योंकि बोलते जाता हूँ समझ में आता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो को आ जाओ, तो हाँ आपको हमारा रूम कैसा लगा, भाड़े कैसे, लेकिन 11 महीने तक हमारे रूम है, ऑनर भी हमारी वीडियो देखते हैं पैसा ना समझे हमारा खुद का हो गया, लेकिन 11 महीने तक हमारा रूम है। तो आपको हमारा रूम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। हाँ अभी हमारे रुको ये बोलेगी, हाँ क्या, हाँ अरे बोलो कुछ, ये बोलती हम लोग बोलते ना, इसको बोलने देते हो बोलती नहीं। हाँ अरे मुझे नहीं समझ आता। अच्छा आखिरी को बोलो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसा बोल चलो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू बाय।